Hello students, today we are going to complete poem 4, The Fox's Wedding. There is a common folklore in the Indian subcontinent. Many African countries, Brazil, France and Japan, that when the sun shines during the rain, a fox gets married. देखो ये जो है ना ये पोएम है, ये क्या है, ये फोकलोर है. फोकलोर मतलब क्या होता है, लोक साहित्य. मतलब ये कहीं पर लिखी नहीं है, जैसे हमारे जो एंशेंट लोग हैं उनके वक्त उन्होंने ये कहीं पर सुनी होगी तो वो लोगों ने बाकी लोगों को सुनाई, ऐसे करते करते धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हमारे तक पहुँची हैं. करेक्ट, दैट इज़ फोकलोर, मतलब लोक साहित्य, लोकगीत. ठीक है, और ये सब कहाँ पर फेमस है, मेनी अफ्रीकन कंट्रीज, ब्राज़ील, फ्रांस एंड जापान. तो वहाँ पर क्या स्टोरी ये है, देखो कि व्हेन द सन शाइन्स ड्यूरिंग द रेन, जब बारिश होती है और तभी सनशाइन भी करता है, अ फॉक्स गेट मैरिड, तब क्या होता है, द फॉक्स की शादी होती थी. लेट्स रीड दिस फोक पोएम बाय हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय अबाउट अ फॉक्सेस वेडिंग एंड फाइंड आउट हु ऑल अटेंड इट. ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये पूरी पोएम पढ़नी है और हमें इससे पता चल जाएगा कि ये फॉक्स की वेडिंग में कौन कौन आया था, कौन से गेस्ट और फॉक्स ने इनवाइट किए थे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द क्लाउड इज ड्रॉपिंग इट्स रेन इन द सन फॉर द फॉक्सेस वेडिंग हैड जस्ट बिगन. अब एक मिनट पिक्चर में देखिए, दिख रहे क्लाउड्स दिख रहे हैं, उसमें से बारिश भी हो रही है, एट द सेम टाइम सन भी शाइन कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे कहा है कि क्लाउड इज ड्रॉपिंग मतलब बारिश हो रही है धीरे धीरे, क्लाउड से पानी गिर रहा है नीचे. इट्स रेन इन द सन मतलब सन भी है और रेन भी हो रही है. फॉर द फॉक्सेस वेडिंग हैड जस्ट बिगन मतलब जैसे ही फॉक्स की शादी शुरू हुई, मतलब शुरू हुई ही थी तो क्या हुआ, बारिश भी चालू हो गई और सन भी शाइन करने लगा. देन फ्रॉम फॉरेस्ट एंड प्लेन एंड माउंटेन साइड गेस्ट bring gifts for the fox and the bride. तो उन्होंने जो फॉक्स ने क्या किया था, जिन लोगों को इन्वाइट किया गया था, वो कहाँ से आए थे, फ्रॉम फॉरेस्ट जंगल से, प्लेन, प्लेन मतलब जहाँ पर प्लेन एरिया होता है ना वो वाला, एंड माउंटेन साइड मतलब माउंटेन के ऊपर रहने वाले लोग, एंड गेस्ट ब्रिंग गिफ्ट्स, और गेस्ट जो आए थे वो क्या लेकर आए थे, वो गिफ्ट लेकर आए हैं फॉर द फॉक्स एंड द ब्राइड. किसके लिए, फॉक्स और उसकी दुल्हन के लिए, ब्राइड मतलब दुल्हन. हियर कम द फर, तो सबसे पहले कौन आया, अ ग्रीनिंग हाइना हु ब्रिंग्स अ चार्मिंग बाउल फ्रॉम चाइना. सबसे पहला गेस्ट कौन है, अ ग्रीनिंग हाइना, ग्रीनिंग मतलब मुस्कुराता हुआ, हाइना मतलब क्या होता है, लकड़बग्गा. तो पहला गेस्ट है लकड़बग्गा, और उसने क्या लाया है, Who brings a charming bowl from China? उसने चाइना से एक बाउल लाया है. देखो यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, Yes. Then, here comes the second. अभी सेकंड गेस्ट, Lion Bold, whose gift is a mirror of African gold. सेकंड गेस्ट कौन है, Lion. वो कैसा रहता है, Bold रहता है ना, इसलिए यहाँ पर क्या यूज किया, The Lion Bold, whose gift is, क्या है उसका गिफ्ट, उसका गिफ्ट है मिरर ऑफ अफ्रीकन गोल्ड. हियर कम्स अ थर्ड, अभी थर्ड गेस्ट आया है, अ क्रोकोडाइल हुज गिफ्ट इज अ सिल्वर कप फ्रॉम द नाइल, और उसने क्या गिफ्ट लाया है, एक सिल्वर कप, और कहाँ से लेकर आया है, फ्रॉम द नाइल. ये नाइल पता है आप लोगों को क्या होता है, क्या है, नाइल एक रिवर का नाम है, जो कहाँ पर है ये वाली रिवर, ये है अफ्रीका में, एंड The Nile is the longest river on the earth. Then, here comes the fourth. अभी fourth guest कौन है? A long-necked camel. कौन है? Camel. Whose gift is a casket of Indian enamel. Casket का मतलब क्या होता है? A small box. Or chest for keeping jewelry, letters or valued object. यहाँ पर देखिए, दिख रहा होगा आप लोगों को. यहाँ पर कैमल दिख रहा है, कैमल के हाथ में है वो बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स, उसे कहते हैं कैस्केट. हाँ, तो क्या है, कैमल का गिफ्ट क्या है, यस, कैमल क्या लेकर आया है, कैस्केट ऑफ इंडियन एनामल. एनामल मतलब अ ग्लॉसी सब्सटेंस अप्लाइड ऑन मेटेलिक और हार्ड सरफेस एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग.
मतलब वो जो उसका कवर है ना, उसका जो ऊपर की लेयर है उस बॉक्स की, वो कैसे है, ग्लॉसी है, चमक रही है। हियर कम्स द फिफ्थ। अभी फिफ्थ गेस्ट कौन सा है? अभी फिफ्थ गेस्ट आया अ मंकी हु राइट्स हिज गिफ्ट इन अ बुक। क्या लेकर आया है मंकी? एक बुक लेकर आया है। क्या नाम है बुक का? द अरेबियन नाइट्स। देन हियर कम्स द सिक्स्थ। अब देखो छठा गेस्ट कौन है? अ शी वुल्फ वैन हु ब्रिंग्स फॉर द ब्राइड अ स्कार्फ फ्रॉम स्पेन। ये कौन है? वुल्फ। वो कौन है? शी वुल्फ है। वैन मतलब थोड़ी सी एरोगेंट एंड एक्सट्रीमली प्राउड। और उस वो क्या लेकर आई है? वो लेकर आई है स्कार्फ। कहाँ से लेकर आई है स्कार्फ? स्पेन से। हियर कम्स अ सेवन। चलो अभी सेवन गेस्ट कौन है? अ पोलार बियर हुज गिफ्ट इज़ अ ब्यूटिफुल रशियन चेयर। और पोलार बियर क्या लेकर आए हैं? क्या है उनका गिफ्ट? क्या है? अ ब्यूटिफुल रशियन चेयर। आप लोग पिक्चर में देखते जाओगे तो आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। हियर कम्स द एट टू द फॉक्सेस मैरिज अ हॉर्स हु हैज ब्रॉट हिम अ फाइव व्हील कैरिएज। अब एट गेस्ट कौन है? हॉर्स। और हॉर्स क्या लेकर आया है? एक फाइव व्हील कैरिएज। देखो वहाँ पर ब्लू कलर का है। देन हियर कम्स द नाइन। अभी नौवा गेस्ट कौन है? अ जैकल। और जैकल क्या लेकर आया है? हु ब्रिंग्स द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम टू डायमंड रिंग्स। क्या लेकर आया है जैकल? टू डायमंड रिंग, एक दूल्हे के लिए और एक दुल्हन के लिए। देन हियर कम्स द टेंथ। कौन है ये दसवां गेस्ट? इफ यू प्लीज अनइनवाइटेड द गेस्ट एट द वेडिंग आर गेटिंग एक्साइटेड। ये जो अनइनवाइटेड जो गेस्ट है उसे देखकर क्या हुआ? सारे जो लोग हैं वो थोड़े से एक्साइटेड हो गए। उनको लगा कि अरे ये गेस्ट कैसे आ गए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो अनइनवाइटेड था। ही कम्स फ्रॉम समवेयर। वो कहीं से आया था। एंड टीचर्स जूलॉजी। और वो क्या सिखाता है? जूलॉजी। जूलॉजी मतलब क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, एक सब्जेक्ट है जिसमें एनिमल्स के बारे में स्टडी कर पाते हैं। इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में सारी चीज़ें जो है ना वो इस ब्रांच, ये जो साइंस की ब्रांच है इसमें सबको पढ़ाते हैं। तो वो जो अनइनवाइटेड गेस्ट है वो क्या पढ़ाते हैं? जूलॉजी। व्हाट इज़ हिज गिफ्ट? एंड एम्प्टी अपोलॉजी। तो उसका गिफ्ट क्या है? एम्प्टी अपोलॉजी। एम्प्टी अपोलॉजी मतलब सेइंग सॉरी विदाउट मीनिंग इट। उसे तो वो तो अनइनवाइटेड था ना, करेक्ट? तो इसीलिए उसका गिफ्ट क्या है? एम्प्टी अपोलॉजी, मतलब कोई कारण ना होते हुए भी उसको सॉरी कहना पड़ेगा अभी। बट व्हाई हैज ही कम टू द फॉक्सेस फिस इट इज मोस्ट इल मैनर्ड टू से द लिस्ट। लेकिन वो क्यों आया है यहाँ पर, मतलब ये जो फॉक्स की शादी है उसने जो बड़ी सी दावत दी है तो वहाँ पर, और वो भी बिना बुलाए। इट इज़ मोस्ट इल मैनर्ड मतलब ये तो बैड मैनर्स है। टू से द लिस्ट मतलब हम लोग ऐसे जाते हैं कभी किसी के यहाँ पर खाना खाने या किसी की शादी में, अगर हम लोगों को इन्वाइट नहीं किया है नहीं जाते हैं ना, तो इसलिए ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये कैसे बैड मैनर्स है इसके, कि इसको तो इन्वाइट ही नहीं किया है फिर भी यहाँ पर फिस्ट में आया है। द फॉक्स देन एड्रेस्ड द गेस्ट हु वर प्रेजेंट लेट अस बी फ्रेंडली लेट अस बी प्लेजेंट। देखो अभी क्या हुआ, जैसे वो अनइनवाइटेड गेस्ट आए एनिमल्स ने देखा तो वो लोग थोड़े से ये हो गए कि यार इसको कैसे बुलाया, ये कैसे शादी में आया। ओके तो देखो अभी फॉक्स ने क्या किया। देखो वहाँ पर फॉक्स देखा आप लोगों को कोट वोट पहन के, सूट वूट पहन के, देखो वो अपने मैन के पास गया और उनको एड्रेस करते हुए क्या बोला वो गेस्ट को, लेट अस बी फ्रेंडली एंड लेट अस बी प्रेजेंट, कि हमें सबके साथ फ्रेंडली रहना है और अच्छे से रहना है। ओके लेट अस बी सिविल एंड नॉट मेक अ फस सिंस मैन आफ्टर ऑल इज़ अ बेस्ट लाइक अस। क्या कहा फॉक्स ने कि अभी हमने अच्छे से बिहेव करना है। सिविल मतलब क्या होता है? सभ्य वर्तवनों, अच्छे से बिहेव करना है। एंड नॉट मेक अ फस, कोई गड़बड़ नहीं करनी है। फस मतलब गड़बड़। सिंस क्योंकि मैन आफ्टर ऑल इज़ अ बेस्ट लाइक अस, क्योंकि जैसे हम लोग जानवर हैं, हम लोग एनिमल्स हैं, वैसे ही
आदमी भी एक एनिमल ही है, वो भी एक जानवर है. द गेस्ट ऑफ अ सडन सीज टू कंप्लेन, द क्लाउड्स ऑफ अ सडन फॉरगॉट टू रेन. और जैसे ही फॉक्स ने ये सारा उनको समझा कर दिया, ओके, तो क्या वो उसके बाद एकदम सडन, मतलब सडन मतलब क्या होता है, एकदम क्विकली. द गेस्ट ऑफ अ सडन सीज टू कंप्लेन, सीज मतलब स्टॉप, उन्होंने कंप्लेन करना स्टॉप कर दिया था. द क्लाउड्स ऑफ अ सडन फॉरगॉट टू रेन, और हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था ना कि जैसे ही शादी शुरू हुई थी तो वैसे बारिश आ रही थी, तो बारिश भी बंद हो गई अभी. द सन केम आउट, द सन केम आउट बोथ गाय एंड स्प्लेंडेड, द फॉक्सेस वेडिंग वॉज हैप्पीली एंडेड. और क्या हुआ, बारिश रुकी, सन भी बाहर निकला, तो सारा कैसे लग रहा था, सब सारी चीज़ें वंडरफुल लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी. स्प्लेंडेड मतलब क्या होता है, वंडरफुल, शानदार. द फॉक्सेस वेडिंग वॉज हैप्पीली एंडेड, मतलब वो फॉक्स की जो शादी थी वो कैसी हो गई, वो खुशी खुशी ख़त्म हो गई. और कैसा प्रोग्राम था वो, एकदम वंडरफुल प्रोग्राम था, शानदार था, वेरी इम्प्रेसिव था.